हेलो दोस्तों, वैसे तो कढ़ी बनाने के बहुत से तरीके होते हैं, तो आज हम भी आपके साथ एक तरीका शेयर कर रहे हैं। इसे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता है। इसे बनाने के बहुत तरीके हैं और कढ़ी सभी को बनानी आती है, सबका अलग अलग तरीका होता है। तो आज हम आपके साथ एक सिंपल सा क्विक सा तरीका शेयर करने वाले हैं, जो बड़ी आसानी से और बहुत ही कम सामग्री से हम इसे बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो आप भी देखिए, फॉलो कीजिए और बनाइए ज़रूर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बेसन को हमें दही या लस्सी के साथ घोल लेना है। तो हमने एक चम्मच बेसन ले लिया है, उसके अकॉर्डिंग हम दो चम्मच दही ले रहे हैं। तो आप जितनी क्वांटिटी रखना चाहते हैं उसके हिसाब से ले लें। एक चम्मच हमने बेसन, दो चम्मच दही और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे एक चम्मच के करीब, जिससे हमने मेजरमेंट किया है जिस चम्मच से वही। और इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए, हमने ऐसा थिक सा बैटर बन गया है ये। चाहे तो हम इसे हाथ से भी मिला सकते थे, लेकिन हम इसे अच्छे से इसमें, ताकि गुठलियाँ भी ना रहें और हमारे हाथ मैशी भी ना हो, और साफ सफाई से हम इसे मिक्सचर जार में घोल लेंगे बेसन को, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहती। इसे थोड़ा पतला कर लेंगे हम, क्योंकि जब हम इसे पकाएंगे तो अपने आप थिक हो जाती है पकने के बाद कढ़ी। तो हम इसे साइड में रख देंगे और एक कढ़ाई में हम कर लेंगे ऑयल या घी गरम कर लेंगे, जो भी आप खाते हो। तो हमने बहुत ही कम तेल या ऑयल ले लिया है। तो हमने इसमें ज़ीरा और राई ऐड कर ली है, ज़रा सी हमने मेथी ऐड कर ली है। ज़ीरा, राई, मेथी ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ले लेंगे हम, और कुछ लहसुन को हमने कूट के ले लिया है, इससे इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। तो ये हमने हरी मिर्ची को कट करके इसमें डाल दिया है, और ये हम कुटा हुआ लहसुन इसमें ऐड कर देंगे। और चाहे तो आप इसका पेस्ट भी ले सकते हैं लहसुन का, हम कूट कर डाल रहे हैं, इससे इसका फ्लेवर कढ़ी में बहुत बेहतर आता है। तो हमने इसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक लहसुन को अच्छे से पका लेना है, ताकि इसमें कच्चापन ना रहे और लहसुन की स्मेल ना आए अलग से। तो हमने एक सूखी लाल मिर्च ले ली है, तो हमने अपने प्याज ऐड कर देने हैं इसमें, और प्याज को और ये जो लहसुन है इसको अच्छे से हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है, अच्छे से पका लेंगे हम इन्हें। तो हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं, हमारे प्याज देखिए गोल्डन ब्राउन इनका कलर हो गया है। तो अभी हमें गैस के फ्लेम को थोड़ा कम कर लेना है, और जो हमारे डेली वेयर के मसाले हैं, जो भी आप खाते हो, हल्दी, मिर्ची, गर्म मसाला, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लिया है हमने सभी। एक एक चम्मच लिया है हल्दी, आधा चम्मच, एक चम्मच धनिया, एक चम्मच लाल मिर्ची और गरम मसाला, और हमने इसमें ज़रा सा पानी डालकर इसको अच्छे से भून लेना है। ये बहुत ही क्विक और इजी सी कढ़ी की रेसिपी है, जल्दी से बनकर रेडी हो जाती है। तो हमने इसमें अभी अपना बेसन, जो अपने घोल बनाया था, वो ऐड कर देंगे। ध्यान रहे दोस्तों, हमने इस समय फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है, और चलाते हुए इसमें सारा ये घोल जो बेसन का बनाया है हम इसमें ऐड कर देंगे, और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम डालेंगे, ताकि हमारी कढ़ी फटे ना। मसालों के साथ जो हमारा लस्सी वाला बेसन का बैटर है वो फट सकता है, तो इसलिए हमें लो फ्लेम रखना है बिल्कुल ही। तो हम अच्छे से इसे पका लेंगे, जब ये 5 मिनट के लिए अच्छे से पक जाए तभी इसे हम मीडियम हाई फ्लेम कर लेंगे, और अच्छे से हमारी कढ़ी को पका लेंगे। देखिए, अभी काफ़ी थिक हो चुकी है, हमने बहुत इसे अच्छे से उबाल उबाल के पका लेना है। कम से कम 15 मिनट तक हमने इसके पका लिया। अभी इसे डाल लेते हैं सर्विंग बोल में। देखिए, ये काफ़ी थिक हो चुकी है अभी पकने के बाद। तो आप अपने बैटर को ज़रा पतला ही रखें, क्योंकि पकने के बाद ये गाढ़ी हो जाती है। तो इसे अच्छे से पकाएं, बेसन कच्चा ना रहे। वैसे तो हम इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन एक तड़का देने के लिए हम थोड़ा सा देसी घी ले लेंगे। तो हम इसे तड़का देने के लिए गैस को फ्लेम को लो कर कर घी को गर्म कर लेंगे, और इसमें सूखी, बंद करने के बाद सूखी लाल मिर्ची और एक लाल मिर्ची और ये अपना रेड चिल्ली डाल लेंगे कलर के लिए, और इसमें एक हल्का सा तड़का दे चुके। देखिए, हमारी कढ़ी रोटी रेडी है। आप भी बनाइए, खाइए और शेयर ज़रूर करिए कैसी बनी है।